तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा, तन तन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक कहानी है एक उस प्रेमी की गुरसिख की जो अपने सतगुरु के प्यार भिजा हुआ सी। उसने अपने सतगुरु तो बिना होर कोई ख्याल नहीं रहता सी। सन 1977 की गल है। उन्होंने समय में अजक जिनी फसल बाड़ी नहीं होंगी सी, बल्कि जदों का यह जिक्र है उस समय कपाह नरमे की फसल पिछले सालों नालों भी घट हुई सी। उस वरे लंगर विच वालण जानी कि छटियां की बहुत घाट महसूस की गई। पिंड प्रेम कोटली जिला मानसा का एक प्रेमी लाभ सिंह मालक का बड़ा ही विश्वासी ते प्यारा जीव सी। ओ बाद विच डेरा सच्चा सौदा दरबार का सत ब्रह्मचारी सेवादार भी रहा। दरबार नूं अपना घर समझण वाला ओ बेचारा जदों भी सत्संग ते जांदा तां छटियां दी दिक्कत नूं जरूर महसूस करदा। एक दिन वो अपने पिंड ही सी, शाम जिहे दा समां सी, उस नूं अचानक अपने सच्चे सोहणे खुद खुदा शहनशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज दी याद भरिया ख्याल आया अते वो अपने खेत चला गया। उत्तों छटियां दी पंड बन के सिर ते रख के इकला ही दरबार सच्चा सौदा सरसा लई पैदल ही चल पिया। वो किते नहीं खड़िया, सगों 75-80 किलोमीटर दा सफर सारी रात अते अगले दिन विच उसने पूरा किया अते दरबार डेरा सच्चा सौदा सरसा पहुंच गया। शहनशाह परम पिता जी उस दी इस सेवा वाली घटना ते बहुत खुश होए। जो खुशी मालक ने उसनू दित्ती होवेगी उसनू तां ओही जानदा। परम पिता जी ने स्टेज तो फरमाया, जेकर इस पंड नू ना खोलिया जांदा तां इस ढेर चों छटियां मुकणियां ही नहीं सन। किन्ने महान बचन कीते शहनशाह जी ने। इन्हां बचनां विच भी मालक दा कोई राज ही सी, नहीं तां कर नू पिता जी की नहीं कर सकते। जे चाहुंदे तां पंड नू खलवाउंदे ही ना। अते पंड चों किन्नियां ही छटियां खिच के सेवादार बाहर कढ़ी जांदे, ओ खत्म ही नहीं होणियां सन, क्योंकि पूर्ण फकीरां दे बचन सन। पर उस राज दे बारे साडे लई सोचना बुद्धिमता नहीं है। साडा इत्थे इस गल नूं बयान करना मुर्शिद दी याद अते उस दी खातर पैदा होई सच्ची तलब तों है। सुणन वालियां नूं हैरानी होवेगी कि एक सधारण इंसान छटियां दी भारी पंड सिर ते चुक के लगातार 75-80 किलोमीटर पैदल ही रात समय सारा रस्ता पार करदा होया किवें मंजिल ते पहुंचा। हैरान होने वाली गल नहीं, शहनशाह जी दे वचन हन कि तुसी मालक वल एक कदम पुटो, वो तुहाडे वल हजार कदम पुटेगा। कि यह वचन इस घटना ते 100% टुकदा नहीं? बिल्कुल टुकदा है। प्रेमी दी मुर्शिद प्रति सच्ची तड़फ सी, इसलिए उसनू एक पल एक ख्याल भी नहीं आया कि इन्ना लंबा रास्ता रात का समा सिर उपर छटियां दी वड्डी पंड भारी वजन मैं इकला जीव किवें जावांगा। उस विश्वासी जीव नू उस समय जेकर दिस रहा सी तां केवल ते केवल अपने सोहणे सतगुर दा मन मोह लैण वाला मिकना तिसी खिच नाल लैस नूरानी चेहरा, जिस नाल वन्या होया वो उत्थे बिना डोर तों ही खिच्चा चलिया आया। उस नूं इह वी ख्याल नहीं आया कि मेरी एक आम जिही छोटी जी पंड इन्ने वड्डे डेरा सच्चा सौदा नूं की फर्क पावेगी। पर अजिहे ख्याल तां अकल तों बाहर ज़्यादा कम लैण वालियां दे अंदर ही उत्पन्न हुंदे हन।
ਅਜਿਹੇ ਅਕਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹੇ ਖਿਆਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਤੜਫ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਤਿ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਰਾਹਾਂ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਦਮ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਖਮਲ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਵੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੂਰਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਪਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 250 ਛੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ।